अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भोलेनाथ आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं प्रेजेंटेशन जरूर बनाऊंगा। अरे वाह, क्या बात! ये हुई ना बात, ये हुई गलत बात। गोलू भैया, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाएंगे नहीं, आप प्रेजेंटेशन करेंगे भी। उसके बाद जो काम होगा छोटा मोटा, मैं वो करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। ना बेटा मेरा गोलू, मैंने बोला था ना तू कर पाएगा। सही कहते हैं लोग, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब गोलू जी जब कामयाब होंगे तो उनके पीछे उनकी उसकी माँ का हाथ है। नहीं, उसकी बहन राधिका का हाथ होगा। क्योंकि प्रोत्साहित राधिका ने किया है उसे। सही कहा बड़ी दादी आपने, मुझे प्रोत्साहित करने में राधिका का ही हाथ है। थैंक यू राधिका। दिव्या, हद हो गई सास जी, एक बार फिर देवरानी जी बिना बात के वावाई लूट गई। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हर बार ये देवरानी जी ऐसे ही तारीफ बटोरेंगी और हम सब टुनटुना बजाते रह जाएंगे। हाँ गोलू भैया, आपको पेन ड्राइव चाहिए थी ना प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए। हाँ ये लीजिए, इसमें सेव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच राधिका। देवरानी जी, आप कितना ख्याल रख रही हैं गोलू जी का। देखिएगा, आपकी प्रार्थना की वजह से गोलू जी का काम पक्का सफल होगा। हाँ भोलेनाथ करे ऐसा ही हो भाभी। थोड़ी देर में हम आपके लिए कॉफी ले आते हैं, उसके बाद आपको काम करते वक्त नींद नहीं आएगी। प्लीज, थैंक यू। ये देवरानी जी सबकी चहेती बनी फिर रही है। अगर हमें इस घर में अपनी जगह बनानी है तो इस रामायण को महाभारत में बदलना पड़ेगा। सुनो, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो पैकेट मंगवाया है उसे रूमाल में लपेटकर खिड़की से अंदर फेंक देना, हम ले लेंगे। तिफिम जी, हम गोलू भैया के लिए कॉफी बनाने जा रहे थे, आपके लिए भी बना दे। नहीं राधिका, मुझे ना ये काम खत्म करके सोना और कल सुबह जल्दी उठकर बहुत सारा काम खत्म करना है। कॉफी पीऊंगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है, एक सेकंड। राधिका, तुमने गोलू भैया के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू दिल से। गोलू भैया ना बिजनेस में मेरी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जो एक बिजनेस ओनर को मिलना चाहिए। लेकिन आज तुमने जैसे उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने तुम्हारी बात मानकर प्रेजेंटेशन बनाने का जो फैसला लिया ना, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों, मैं चाहता हूँ कि उनका ये प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बने राधिका, और उन्हें वो सारा सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। हमारी भी यही उम्मीद है तफीम जी। फिर भाई जी की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी और उस कली को भी अच्छा लगेगा। दादी सही कहती है राधिका, तुमने अपने अति सुंदर मन से इस घर को प्यार और एकता से जोड़ रखा है। थैंक यू तिफिम जी। हम पत्नियां अपने घर को तभी जोड़ के रख पाती हैं जब आप जैसे पतियों का साथ और विश्वास हमारे साथ होता है। राधिका तुम ही ना, तुमने मुझे बातों में उलझा के रखा हुआ है, मुझे इतना सारा काम करना तुम। तिफिम जी, लेकिन हमने कहा कुछ कहा, आपने तो हमें रुका के रखा था और तब से आप ही बोले जा रहे हैं। ये सही है तुम्हारा राधिका, मतलब खुद हरकतें करो और मैं तारीफ करूं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। ये कैसी आवाज थी? उस आदमी ने कहा था कि ये दो चम्मच डालना है।
सारी गोलू जी, पर हमारे बड़े फायदे के लिए आपका ये थोड़ा सा नुकसान तो हमें करना ही होगा। शायद कोई बिल्ली होगी जिसने स्टोर रूम में डब्बा गिरा दिया होगा। कोई निकल जब सफाई करेंगे तब एक बार अच्छे से देख लेंगे। अभी जाके जल्दी से गोलू भैया को कॉफी देकर आते हैं। बाल बाल बच गए, अब बस गोलू जी वो कॉफी पी ले। गोलू भैया आपके लिए कॉफी। गोलू ढोलू जी कॉफी कब पिएंगे? कॉफी पी के लोगों की नींद भागती है और मुझे नींद आ रही है। एक काम करता हूँ, ये पेन ड्राइव में ये फाइल GPT सेव कर लेता हूँ। सुबह GPT रिवाइज कर लूंगा। गोलू भैया अभी तक सो रहे हैं। गोलू भैया उठिए, देर हो रही है। गोलू ये अभी भी सो रहा है? गोलू बेटा उठ जा बेटा। गोलू गोलू बेटा उठ जा, आधे घंटे में तेरी प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट आने वाले। सब तैयारी हो गई है ना बेटा? हाँ हाँ, मेरी सब तैयारी हो गई है, लेकिन मेरी आँख कैसे नहीं खुली? मैंने सोचा था कि सुबह उठ के जल्दी से प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा दिव्यम को, लेकिन गोलू भैया दिव्यम जी तो एक जरूरी काम से सुबह सुबह बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए, ये प्रेजेंटेशन हम उन्हें मेल कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुझे अपने काम पर भरोसा है ना? हाँ माँ, लेकिन वो बात नहीं है, मुझे तो था एक बार। चुप, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू जा, जाके तैयार हो जा। हाँ। राधिका ये पेन ड्राइव तुम अपने पास संभाल के रखना, मैं भी आकर तुमसे लेता हूँ। हमरा इस घर में जगह बनाने का और देवरानी जी को गिराने का समय आ गया, अब इस महाभारत का आरंभ किया जाए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।